Good morning, sir. So, as we all know, that GMO 2023 has replaced GMO 2008. So, we've noticed that कि उसमें जो जितनी सारी काफी सारी जो डिसेबिलिटीज थी वो 20% से कम कर दी गई हैं. तो सर, माय क्वेश्चन इज कि जो हमारी एग्जिस्टिंग केसेस हैं जो GMO 2008 के अंदर चल रही थी, उस पे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगी? एंड अगर कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है तो क्या होगा, और अगर इम्प्लीकेशंस है तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जीएमओ है क्या। पहले जीएमओ को हम कहते हैं गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर किसी इंसान को कोई डिसेबिलिटी हो रही है तो वो डिसेबिलिटी क्यों है, उस डिसेबिलिटी का इम्प्लीकेशन क्या है, उस डिसेबिलिटी की परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वेदर दैट डिसेबिलिटी इज एट्रिब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और नॉट। एग्रीवेटेड का मतलब ये होता है कि वो बीमारी फौज के अंदर नौकरी करने के कारण बढ़ गई। एट्रिब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि फौज में नौकरी करते हुए फौज की कंडीशंस के कारण वो बीमारी हो गई। अब बेसिकली जो आपका सवाल था कि 2008 का जो जीएमओ है उसके जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनके ऊपर 2023 वाले जीएमओ को कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, देन द आंसर इज नो। केसेस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन फाइल्ड विल हैव नो इफेक्ट, बट पीपल हु हैड अ डिसेबिलिटी अंडर द जीएमओ 2008 एंड दे वर गिवन सर्टन नंबर ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेजेस, बट नाउ दे आर रिटायरिंग व्हेन जीएमओ 23 हैज कम इन, उनकी डिसेबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअल में एक नोटिस आया था कि पुरानी जो डिसेबिलिटीज हैं उनको पुराने जीएमओ के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन आज की डेट में जितने भी आरएमबीज हो रहे हैं उनमें अगर आपकी डिसेबिलिटी 2008 जीएमओ के अंदर भी इंस्टिगेट हुई थी फिर भी आपकी जो आरएमबीज हैं उसमें आपको परसेंटेज नए जीएमओ के हिसाब से दी जा रही है, विच इज बेसिकली अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप बेसिकली एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा फायरिंग में रहे हो, आपके कान से आपको सुनना बंद हो गया है, पुराने जीएमओ के हिसाब से आपको 23% डिसेबिलिटी परसेंटेज दे रखी है क्योंकि आपका हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब नया जीएमओ ये कहता है कि नहीं भैया तुम्हारा हियरिंग लॉस सिर्फ 5% है क्योंकि तुम्हें कम सुनाई देता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर हाइपरटेंशन द डिसेबिलिटी वाज 20%, नाउ इट हैज कम डाउन टू 5%। अर्लियर अ नॉन वर्किंग फिंगर यूज टू गिव यू अ डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ अराउंड 5 to 10%, नाउ दैट हैज कम डाउन टू 1%। सो बेसिकली अगर किसी आदमी का पूरा हाथ एम्प्यूटेट होता है तब जाके 20% डिसेबिलिटी बन रही है। नाउ बेसिकली वॉट विल यू डू, नए डिसेबिलिटी रिजीम के अंदर आप अपनी डिसेबिलिटीज क्लेम कैसे करोगे? उसके दो मेजर तरीके हैं। कुछ ऑफिसर्स और जवानों के बोर्ड्स के अंदर पहले से उनको एक डिसेबिलिटी परसेंट डी होगी, जब मेडिकल बोर्ड हुआ होगा उसमें 20% लिखा होगा, 10% लिखा होगा या 50% लिखा होगा। अब जब वो उस बोर्ड के बेसिस पे नए जो आरएमबी होगा प्रेजेंट जीएमओ के हिसाब से जब उसमें 5% डिनाई कर देंगे तब हम ये बोल सकते हैं कि सर आई वाज गिवन दिस अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी व्हिच हैज नाउ बीन आर्बिट्रेरली रिड्यूस्ड टू सो एंड सो परसेंटेज, देयरफॉर आई एम एलिजिबल फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन। देयर हैव बीन केसेस वेयर इन पीपल हैव आल्सो बीन डिनाइड द डिसेबिलिटी परसेंटेज फॉर कार्डियक प्रॉब्लम्स, एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स हैपेंड बिकॉज दे वर पोस्टेड टू हाई ऑल्टीट्यूड्स। जो पूरा डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो तुम्हें डिसेबिलिटी मिल जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी इज वेरी सिंपल, दैट यू वर्कड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज यू वर्कड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यू आर पोस्टेड टू सर्टेन प्लेसेस बिकॉज ऑफ विच यू गॉट सर्टेन डिसेबिलिटीज, देयरफॉर यू हैव अ राइट टू बी कंसिडर्ड एज अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल और अ सोल्जर एंड यू विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पेंशन विच इज कॉल्ड द डिसेबिलिटी पेंशन। अब इसके अंदर मेन इशू ये है कि सरकार ने ये नया जीएमओ क्यों लाया, दे ब्रॉट दिस न्यू जीएमओ इन बिकॉज दे वॉन्टेड टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन, बट दे डू नॉट वॉन्ट द फाइनेंशियल बर्डन बट दे ऑल्सो वॉन्ट दैट एवरी वन शुड वर्क हार्ड लूज देयर लिम्स एंड गेट डिसेबिलिटीज एंड स्टिल नॉट बींग पेड फॉर इट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जीएमओ 2023 इटसेल्फ कैन बी चैलेंज्ड, बिकॉज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाइपरटेंशन की बीमारी जो 2008 से लेकर 2023 तक 20% डिसेबिलिटी मानी जाती थी वो एकदम से 5% डिसेबिलिटी कैसे हो गई?
आपने उसी डिसेबिलिटी के कारण उन इंडिविजुअल्स को प्रमोशन भी नहीं दी क्योंकि वो लो मेडिकल कैटेगरी में है, अब आप उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी ये कह के नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी डिसेबिलिटी पूरी नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स कैन बी चैलेंज्ड. अनदर थिंग इज दैट व्हेनेवर अ पर्सन गेट्स डिसेबल्ड ही इज गिवन कैटेगरीज. किसी को लो मेडिकल कैटेगरी दी जाती है, किसी को परमानेंट कैटेगरी दी जाती है, किसी को टेम्पररी कैटेगरी दी जाती है, किसी की कैटेगरी अप हो जाती है, किसी की डाउन हो जाती है. लेकिन इन कैटेगरीज के अंदर भी जब आप सिविल डोमेन में जाएंगे, आई गॉट टू केसेस इन विच आर्मी सेड दैट द इंडिविजुअल हैज गॉट 18% हियरिंग लॉस इन वन ईयर. व्हेन ही गॉट टेस्टेड इन द सिविल एटमॉस्फेयर हिज हियरिंग लॉस वाज मोर देन 50%. नाउ टू verify, I told that client of mine to go to the government hospital. Government hospital mein bhi 50% aaya hearing loss. Then he went to another private hospital, wahan pe bhi 50% aaya. So now these medical documents we will be using in the case stating that the assessment criteria is wrong. Now when the assessment criteria is wrong, how can the disability person be right? Similarly, there are certain problems. They say, I have a client who has got a very severe back issue. He's got three of his ribs and two of his vertebras were not proper. Balab, he was climbing a stair and he fell down during the ship boarding and he had a severe injury in his back. The army hospital told him, no, this is all in your mind. You've got no issue with you. You've got no back issue with you. It is a problem in your psychiatric mind and we will give you a psychiatric category that you are having adjustment disorders. That individual went to 5 government hospitals, got his opinions made and then his opinions were changed in the army hospital. In these cases also, what happens is we are able to get the disability made out because medical science is same for all. Opinions might differ. But another thing we need to come up with is that People with Disability Act also defines certain disabilities. Now that disability can be a locomotive disability, that disability could be a hearing disability, a vision disability or any disability whatsoever. We have to correlate our percentages with that also. अब इसमें यह है कि GMO 23 challenge हो सकता है, तो हो सकता है. क्या GMO 23 के अंदर भी हमें हमारी डिसेबिलिटी मिल सकती है अगर परसेंटेज 20% से नीचे है? इट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, इट कैन ऑल्सो बी चैलेंज इन द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल. बोथ फोरम्स आर ओपन बट पीपल हैव टू गेट यूनाइटेड टू फाइट इट. इट कैन नॉट बी फॉट बाय वन इंडिविजुअल एंड देन वन बिकॉज इट्स अ क्लास सूट वेयर इन अ लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस लेजिस्लेशन. अनदर थिंग इज दैट Why challenge it? We have to challenge it on scientific grounds. The problem of blood pressure is not a lifestyle disease when it comes to the armed forces because they are working under stressful conditions which are the contingencies of their service. It is not a lifestyle disease for them. For example, diabetes also. Now diabetes has been classified as a lifestyle disease. Yes. But an army officer, when he's posted to high altitude, is always getting tinned food. He's got getting no access to fresh food. He's not getting access to proper nutrients. He's not getting access to proper food and fodder. When he's not getting it, then that is why, because of the non-availability of proper nutrition, he's getting diabetic. Only diseases like obesity are not attributable to military service because an army officer or a jawan is physically very busy in life and they have got their own physical standards to meet. Other than that, most of the disabilities are attributable to military service. For example, another officer, another client of mine, he was posted to Northeast, where he was infected by a bacteria which caused hepatitis in him. Now, if he was not posted there, would he get hepatitis? No. If he would not, that means it is attributable to military service and he should be given the disability pension for that. Thank you so much, sir. Thank you. A lot of doubts and thank you so much.